नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल द ऑप्टोमेट्री हिंदी स्पेशल में। तो इस वीडियो में आज हम बात करने वाले हैं कि टॉपिकल एनेस्थीसिया क्या है, टॉपिकल एनेस्थीसिया कौन सी सर्जरी में यूज किया जाता है, कौन से माइनर प्रोसीजर में यूज किया जाता है, टॉपिकल एनेस्थीसिया में जो मेडिसिन यूज की जाती है वह कौन कौन सी होती है। तो आज हम टॉपिकल एनेस्थीसिया के बारे में इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो दोस्तों, अगर आप इस YouTube चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा दें ताकि हमारी आने वाले नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। अगर टॉपिक समझ में आए तो आप लाइक का बटन भी जरूर दबाएं। तो सबसे पहले समझते हैं कि टॉपिकल एनेस्थीसिया क्या है। टॉपिकल एनेस्थीसिया का मतलब है कि एक ओकुलर सर्जरी के दौरान उस आंख को बिना इंजेक्शन के सुन्न करना, कि उस आंख को सुन्न करने के लिए टॉपिकल एनेस्थीसिया आई ड्रॉप का यूज किया जाता है, तो इसे टॉपिकल एनेस्थीसिया कहा जाता है। तो पिछली वीडियो में हमने बताया था कि एक लोकल एनेस्थीसिया में जो सर्जरी की जाती है, जैसे कि टेरिजियम सर्जरी, कैलेजियन सर्जरी, एसआईसीएस सर्जरी, ग्लूकोमा सर्जरी, इंट्रोपियन सर्जरी, क्रेटोप्लास्टी सर्जरी या फिर अदर कॉर्नियल सर्जरी, तो उनमें लोकल एनेस्थीसिया का यूज किया जाता है जिसमें कि ब्लॉक से संबंधित बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन होते हैं। और जो फेको सर्जरी की जाती है उसमें टॉपिकल एनेस्थीसिया का यूज किया जाता है। जो टॉपिकल एनेस्थीसिया है वह बहुत ही सेफ मेथड है, इसीलिए एक फेको सर्जरी में टॉपिकल एनेस्थीसिया का यूज किया जाता है। तो एक फेको सर्जरी लोकल एनेस्थीसिया द्वारा भी कर सकते हैं और टॉपिकल एनेस्थीसिया द्वारा भी कर सकते हैं, और टॉपिकल एनेस्थीसिया का यूज माइनर प्रोसीजर में भी किया जाता है। माइनर प्रोसीजर यानी कि किसी पेशेंट का कॉर्नियल फॉरेन बॉडी रिमूवल करना हो, या फिर किसी पेशेंट का कंजंक्टिवा फॉरेन बॉडी रिमूवल करना हो, किसी पेशेंट की सिरिंजिंग करनी हो, या फिर किसी पेशेंट का फ्लोरोसेंट स्ट्रिप टेस्ट करना हो, या फिर स्केमर टेस्ट करना हो, तो इन माइनर प्रोसीजर में एक टॉपिकल एनेस्थीसिया का यूज किया जाता है। और जो टॉपिकल एनेस्थीसिया की डोज है वह कॉर्निया का जो इंटीरियर सरफेस है उसके ऊपर 4 मिनट के लिए 4 बार डाली जाती है। तो इससे क्या है, जो कॉर्निया का इंटीरियर सरफेस है और जो कंजंक्टिवा है वह 15 मिनट या फिर आधे घंटे के लिए सुन्न हो जाती है। और जब फेको सर्जरी की जाती है तो 5 मिनट पहले उसकी आंख में टॉपिकल एनेस्थीसिया दिया जाता है और वह आंख 15 और आधे घंटे के लिए सुन्न हो जाती है। एक टॉपिकल एनेस्थीसिया आई ड्रॉप कौन कौन सी होती है, तो टॉपिकल एनेस्थीसिया में जाइलोकेन 2% या फिर 4%, 1% अमीथागोन और 0.5% प्रोपेराकेन आई ड्रॉप का यूज किया जाता है। एक टॉपिकल एनेस्थीसिया में जाइलोकेन 2% या फिर 4%, 1% अमीथागोन और 0.5% प्रोपेराकेन का यूज किया जाता है। तो दोस्तों, यह टॉपिक आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर टॉपिक से रिलेटेड कोई कमेंट हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।